एक है, असम का राज्य पशु कौन सा है? असम का राज्य पशु है ऑप्शन बी एक सींग वाला गैंडा। क्वेश्चन नंबर दो है, भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? पूर्व की तरफ देखो नीति प्रारंभ की गई थी ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? यह किया गया था 1986 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर चार है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है ऑप्शन ए मालदीव। क्वेश्चन नंबर पांच है, चांदीपुर समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर समुद्र तट स्थित है ऑप्शन ए ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनी जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? वेनिया जलप्रपात स्थित है मेघालय में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सात है, श्री विल्लू पुथुर हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आठ है, भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर नौ है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ था कैनिंग के काल में और इसका शासन काल रहा 1856 से 1862 तक। क्वेश्चन नंबर दस है, टीसीपी का विस्तारित रूप क्या है? टीसीपी की फुल फॉर्म है ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत तारों को सामान्यतः किस पदार्थ से आवर्त किया जाता है? विद्युत तारों को सामान्यतः किस पदार्थ से आवर्त किया जाता है? या किया जाता है पॉली विनाइल से। क्वेश्चन है, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? यह आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोविडी ओविस का वैज्ञानिक नाम है? बोविडी ओविस का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन डी भेड़ का। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ऑप्शन सी राइबोसोम में। क्वेश्चन 15 है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 1927 में और इसका मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 है, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनीथा का संबंध है कर्नाटक राज्य से ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? यह संबंधित है ओडिसी से ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्लोट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फ्लोट महोत्सव मनाया जाता है मदुरई में ऑप्शन डी और मदुरई को त्योहारों का नगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? यह संगीत है पश्चिम बंगाल का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूटान के राष्ट्र पक्षी का नाम है? भूटान के राष्ट्र पक्षी का नाम है काला कौवा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है,
हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी अरमाने गिरिधर। क्वेश्चन 22 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? या किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य में और 4थे खेले गए हैं गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ऑप्शन बी भगवंत मान। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोहे का शुद्धतम रूप है, आपको बताना है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा है ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप स्थित है ऑप्शन डी सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है, तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। क्वेश्चन 5 है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था ऑप्शन सी माउंट बैटन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्यंत्र से जुड़े हैं? अरविंद पारिक का संबंध है सितार से ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल खान लोधी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इन कस्टडी उपन्यास लिखा है अनीता देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर विलियम्स जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? सर विलियम्स जोन्स द्वारा स्थापना की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी नहीं है? यह नहीं है कर्णाली। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेजों ने बंग भंग को निरस्त कर दिया था, अंग्रेजों ने बंग भंग को निरस्त कर दिया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल गवर्नर जनरल को निम्न से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? यह बनाया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। क्वेश्चन 15 है, आर प्रगानंद का संबंध किस खेल से है? आर प्रगानंद का संबंध है शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए सकते हैं? भारत में ग्रामीण शहरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं
सहकारी बैंकों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अनुमानित प्राप्तियों का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष किया जाना अनिवार्य किया गया है, किया गया है अनुच्छेद 112 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा में स्थित एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने मजम उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है। मजम उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है दारा सिको ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था किस राजवंश से संबंधित थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था सातवान वंश से। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन किस राज्य में किया गया था। भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन किया गया था कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन 22 है, अजमल सुल्तानपुरी का संबंध किस जिले से है। अजमल सुल्तानपुरी का संबंध है सुल्तानपुर से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेला सागर कृत्रिम झील किस जिले में है। बेला सागर कृत्रिम झील स्थित है महोबा जिले में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2022 में भारत सरकार द्वारा कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 107, ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या है। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर है ऑप्शन ए क्लाउड तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, शिवशंकर मेनन या अनिल त्यागी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शिवशंकर मेनन। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे को जंग लगता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन के कारण, कार्बोनेटीकरण के कारण, अपसल के कारण या संक्षारण के कारण। तो ये लगता है ऑप्शन ए ऑक्सीजन के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए यान मार्टल, जो कालहार्थी, मारिके लुकास या डेविड डायोप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डेविड डायोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, सरयू, गोमती या यमुना। तो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर स्थित है गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। ऑप्शन ए वायुमंडल दाब, आयतन, घनत्व या द्रव्यमान पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब पर। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ऑप्शन ए दूसरी, तीसरी, पहली या पांचवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है। यह होकर बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है नेपाल को भूटान से अलग करता है। नेपाल को भूटान से अलग करता है सिक्किम राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल या आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल राज्य में। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है, हो सकती है ऑप्शन बी 1 घंटा के लिए।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनी होती है? कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है या बनती है? कासा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल है? यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्तरी हिमनद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्मासन कहाँ दिया था? ऑप्शन है बम्बई, लखनऊ, चंपारण या वाराणसी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाराणसी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्मासन दिया था वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित ऑप्शन कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, यह बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ये ऑप्शन में ठीक है। विश्व प्रवास दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो ये ऑप्शन गलत है। जबकि ओजोन परत संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व मानक दिवस ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित देशों में कौन सम्मिलित नहीं है? नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया से, जो बिल्कुल ठीक है। हेनिन हार्डिन का संबंध बेल्जियम से है। नेक्स्ट है, रोजर फेडरर का संबंध है स्विट्जरलैंड से। मारिया सारापोवा का संबंध है टेनिस से, और इनका संबंधित देश है रूस। सेरेना विलियम्स का संबंध है यूएसए से। हुसैन बोल्ट का संबंध है जमैका से। मार्टिन हिंगिस का संबंध है स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं एवं लेखकों में किसका सुमेल सही नहीं है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास यह पुस्तक है बी.एस. नायपाल की। द जिग जैग वे के लेखक हैं अनीता देसाई। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम इसके लेखक हैं तकासी हीरोज। सैटनिक वर्सेज के लेखक हैं सलमान रसदी। सनी डेज के लेखक हैं सुनील गावस्कर। राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। काबुली नामा कहानी इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कुरुक्षेत्र टू कारगिल इसके लेखक हैं कुलदीप सिंह। टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसके लेखक हैं युवराज सिंह। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तो वह होगा मच्छर की भ्रमराट का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसे एशियाई नोबेल पुरस्कार से नाम से जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 21 है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? यह किया जाता है ऑप्शन डी, समान धूप। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो यह था जहांदर शाह का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उद्योग को कहते हैं ऑप्शन ए, सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या बेंगलोर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपनी किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है ऑप्शन ए, आदि शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे कहा जाता है। पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे कहा जाता है वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 4 है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? यह की थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल स्थित है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पाउंड लगभग किसके बराबर होता है? 1 पाउंड लगभग किसके बराबर होता है? यह होता है 453.59 ग्राम के। क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाने जाते थे? समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे विक्रमादित्य के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैंडेला निम्न में से किस आधार राशि की एसआई यूनिट है? आपको बताना है कैंडेला किसकी एसआई यूनिट है। कैंडेला है दीप्त तीव्रता की, जिसे ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाता है? किया जाता है 75 दिनों के भीतर। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक का मुख्यालय निम्न से कहाँ स्थित है? HDFC बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली कबर खान किस वाद्यंत्र से जुड़े थे? विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्यंत्र से जुड़े थे? ये जुड़े थे सरोद से। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? मनसबदारी प्रथा लागू की थी अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है? सबसे कम लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन 15 है, लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? लेटराइट मृदा में किसकी अधिकता होती है? यह होती है लोहे या आयरन ऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा टोक्यो जापान में। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? यह बना है ऑप्शन सी सांबा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट मी से इट नाउ
नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक लिखी है राकेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुस्तक 5.7 किसने लिखी है? 5.7 पुस्तक लिखी है चेतन भगत ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, यानी किया जाता है ऑप्शन बी सल्फर का। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? ये हैं ऑप्शन ए जीवाणुविक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? यह जिम्मेदार है ऑप्शन सी मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, नील नदी निम्न में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? जिनमें से आपको बताना है नील नदी किस देश में होने वाली बहने वाली नदी नहीं है, या नहीं है अल्जीरिया में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? मैरी कॉम का संबंध है ऑप्शन डी मणिपुर राज्य से। कंपोस्टिंग किसकी सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है? वर्मी कंपोस्टिंग है केचुए से खाद तैयार करने की विधि। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग किस वर्ष बंद कर दिया गया था? अंग्रेजी भाषा का उपयोग बंद कर दिया गया था 1965 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप कोशिका में लवक क्या कहलाते हैं? पादप कोशिका में लवक कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था? भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था कथक को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? नेपाल में स्थित है धौलागिरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था जेम्स रेनेल ने। नेक्स्ट है, कल्हण नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? ये लिखा है जम्मू कश्मीर का, और इनकी पुस्तक थी राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्नाटक संगीत किस राज्य में प्रचलित है? कर्नाटक संगीत प्रचलित है तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन 12 है, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? बेलूर में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रोकन विंग सन्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक किसने लिखी है? द ब्रोकन विंग सन्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक लिखी है सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है?
राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन करता है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। क्वेश्चन नंबर 15 है, सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1829 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जारी करता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहां से लिया गया है? न्याय की अवधारणा ली गई है, न्याय की अवधारणा को लिया गया है रूसी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमा की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है? नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा करता है SSB, सशस्त्र बल। क्वेश्चन 19 है, स्काइप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्काइप की स्थापना की गई थी 2003 में। क्वेश्चन 20 है, GST परिषद के पदेन सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? GST परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है केंद्रीय राजस्व सचिव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरतमुनि, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 है, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? फाइलोक्विनोन कहा जाता है विटामिन K1 को। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 326 का संबंध है वित्त आयोग के गठन से। क्वेश्चन नंबर 25 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? जोड़े गए थे 18 अनुच्छेद। क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रयाग प्रसिद्धि के लेखक कौन थे?